नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 29 में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में। यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक तो नेशनलिज्म और भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, क्या फैक्टर्स थे, और दूसरा कांग्रेस का जो शुरुआती इतिहास है उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जो फैक्ट्स हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी वॉल थियरी जैसे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो इससे बेहतर अभी मौका नहीं हो सकता। एक ऑफर के तहत यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें आपको केवल एक फॉर्म फिलअप करना है जो आपको यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको हमारी टीम मेंबर कॉल करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस प्रकार से ईएमआई पर भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे। और अभी 20 बुक्स प्रिंटेड मटेरियल आपको मुफ्त में मिलेगा इस कोर्स के साथ में। यह ऑफर केवल 28 अप्रैल तक वैलिड है और 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी अगर आप 28 अप्रैल से पहले पहले इस कोर्स को लेते हैं। नेक्स्ट ईयर की प्रीलिम्स की जो भी डेट होगी तब तक ये कोर्स वैलिड होगा या फिर 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा। ये 22 और 23 दोनों सालों के लिए ऑफर वैलिड है, यानी 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पर। उसके उपरांत आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं महिपाल। इस कोड के साथ आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज पर डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो अभी आपको फ्री बुक्स, साथ में एक्सटेंडेड वैलिडिटी और ईएमआई ऑप्शन, ये सभी इन कोर्सेज पर मिल रहे हैं। और आइकॉनिक कोर्स में आपको एक मेंटोर भी मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इन कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर बैच स्ट्रक्चर में क्लासेस होती हैं। बैच स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर टीचर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो जैसे कि 28 अप्रैल से जो बैच शुरू हो रहा है 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह से स्पेसिफिक बैचेस बनाए जाते हैं और उन बैचेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो क्लियरली मेंशनड है। तो आप इन बैचेस को भी अब ज्वाइन कर सकते हैं। 28 अप्रैल से 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शनल प्लस जीएस कंबाइंड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें अगेन आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी। यूज़ द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनकी जो प्राइसेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको पे नहीं करनी है। यूज़ द कोड एंड पे दिस प्राइस। अब हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है। देखिए, राष्ट्र क्या है सबसे पहले ये समझो, नेशन क्या है। राष्ट्र के बारे में अगर आप सोचोगे तो डेफिनेशन आपको काफ़ी सिंपल लगेगी कि कंट्री है, इंडिया इज अ कंट्री, यूएसए इज अ कंट्री। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। जैसे कि भारत में राष्ट्र को आप क्या कहेंगे, क्या एक समान कल्चर, क्या एक भाषा, क्या एक रेस होना एक देश है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर हज़ारों भाषाएं हैं, कई रेस और कई रिलीजन के लोग रहते हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन हर देश में, हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। मोटे तौर पर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो यूरोप में देखा गया है उसमें ये बताया जाता है कि अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग जो एक कल्चर को फॉलो करते हों, एक भाषा में मानते हों, एक रेस के हों, एक धर्म के हों, और वो मानते हैं कि हमारा एक पॉलिटिकल गोल है, एक लक्ष्य है, और हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, यानी कि हमें अपने ऊपर रूल करने का अधिकार हो, तो ये भावना नेशनलिज्म कहलाती है और इसी से बनता है नेशन या एक राष्ट्र। अब ये जो डेफिनेशन है ये हर देश में अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत के केस में ऐसा नहीं है कि एक भाषा, एक रेस, एक रिलीजन हो। तो इसीलिए भारत में जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, इट वॉज बेस्ड मोर ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि हम सदियों से या मिलेनिया से एक राष्ट्र के रूप में रहे हैं, एक साम्राज्य के अंडर में थे, कभी गुप्ता एम्पायर था, कभी उसके पहले मौर्यन एम्पायर था, कभी मुगल एम्पायर था। तो ये राष्ट्रवाद की जो भारत में भावना है ये ज़्यादातर कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर आधारित थी, कि हमारा कल्चर एक है, क्योंकि भाषा, धर्म ये तो बहुत कुछ अलग भी था। रिलीजन के बेसिस पर आप कह सकते हो, क्योंकि 80-90% रिलीजन वॉज हिंदू, लेकिन फिर भी वो 100% नहीं है। तो रिलीजन भी एक इसका डिफाइनिंग क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं था। इन फैक्टर्स के अलावा अगर आपसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाए कि राष्ट्रवाद में क्या होता है, तो वो ये कहा जाएगा कि बाहरी ताकत आपको कंट्रोल ना करती हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरे देश के लोग आप पर हुकूमत ना चला रहे हो। क्या भारत में उस वक्त कोई दूसरे देश की हुकूमत थी जब कांग्रेस की स्थापना होती है? बिल्कुल। क्या आज है? नहीं। टुडे वी आर फ्री फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। हमारे राष्ट्रवाद की भावना के कारण राष्ट्रीय आंदोलन चला, भारत आज़ाद हुआ, और आज भारत में भारत के लोग सरकार को चुनते हैं जो हमारे देश को चलाती है। तो वी हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
कभी आपसे मेंस में या इंटरव्यू में इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में एकता अखंडता किस बेसिस पर है, राष्ट्रवाद किस बेसिस पर है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर रेलेवेंट लगेंगे। अब भारतीय आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे, उनको समझिए। तो सबसे पहले 19 सेंचुरी के अंदर आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लो। उम्मीद एक बार के लिए सोचो कि आप 1860s 1870s में जी रहे हैं। उस समय तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, 60-70 साल हो चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए, और अब उसके बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको सभी को मालूम है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं मालूम, लेकिन आपकी तरह जो यूपीएससी की तैयारी शायद कर रहे होंगे उनको सबको मालूम था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की भावनाओं के बारे में वो अवगत थे। भारत में एक रेनेसां चल रहा था, सामाजिक आंदोलन चल रहा था। हमने पिछले लेक्चर्स में सोशल रिफॉर्मर्स की रिफॉर्म्स की बात करी, तो वो भारत का रेनेसां था, स्पेशली इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन और नाम मैंने आपको लिए थे, इन्हीं के जो लीडर्स थे वो आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन भारत में पहुंचा था, तो अंग्रेज हुकूमत लेकर आए थे, लेकिन हुकूमत के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लाए थे, उनमें से एक था वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन। अब वो आपकी नज़र में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उस समय के लिए वो एक मॉडर्न विचार था। और ये विचार क्या था, मेनली लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम नेशनलिज्म, इमैनुअल कांट के विचार याद हैं आपको, 18 सेंचुरी के जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में। फिलोसॉफी ऑप्शनल वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, पवैड वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो हम भी हिस्ट्री में आगे पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये जो मतलब थिंकर्स हैं, इनके आइडियाज़ हैं, ये सब भारत में आते हैं अंग्रेज़ों के साथ या अंग्रेज़ी एजुकेशन के साथ। तो ये जो इंग्लिश में पढ़े हुए इंडियंस थे, इन्होंने ही नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। अंग्रेज़ों का लक्ष्य क्या था कि इनको क्लर्क बनाना है, लेकिन कुछ लोग क्लर्क नहीं बने, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर दी। भारत में काफ़ी समय बाद पॉलिटिकल यूनिटी आई थी, लास्ट 17th सेंचुरी में एक तरह से मुगल एम्पायर जब अपने चरम पर था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, उस समय आखिरी बार भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पॉलिटिकल एंटिटी के अधीन था। लेकिन उस समय भी मुगल एम्पायर भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं था, आप पढ़ेंगे कि औरंगजेब के टाइम पर भी कई सारे रिवोल्ट्स हुए थे। तो पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो कई सदियों बाद भारत ने देखी थी, और एटलीस्ट आधा भारत कम से कम एक एम्पायर के अधीन था। अभी भी दक्षिणी हिस्सा नहीं था, ईस्टर्न हिस्सा नहीं था, लेकिन कम से कम नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज तो पूरी तरह से थे। तो जब भारतीय लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत टाइम बाद यूनिटी आई है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि पिछले 150-200 सालों से, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1870 के समय की, उस समय 150 साल से भारत पूरी तरह से छिन्न भिन्न होकर अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज़ में बटा हुआ था। फिर आता है मॉडर्न प्रेस। प्रेस का बहुत बड़ा रोल है राष्ट्रवाद में, इनफैक्ट आज भी है, मीडिया का, प्रेस का किसी भी देश के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भारत में प्रेस की शुरुआत हो गई थी 18 सेंचुरी का जो एंड था उस समय पर, और इंग्लिश और वर्नैक्युलर दोनों भाषाओं में अखबार छपते थे, मैगजीन्स छपती थी, जिन्होंने लोगों की चेतना को जगाने का काम किया। इट अराउज द नेशनल कॉन्शियसनेस, और ये जो फैक्टर है ये आगे चलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखोगे जितने भी बड़े नेता हैं सब ने अपना अपना अखबार या मैगजीन छापी, और वो सब आपके लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। अगला फैक्टर था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो आर्थिक शोषण हो रहा था, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी था, उसको अब लोग समझने लगे थे। तो 100 साल तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया, उनको लगा कि जैसे राजा राज करते हैं वैसे ही अंग्रेज भी राज करने आए, लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आखिरी फैक्टर था कि एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया डेवलप हो रहा था, इसका मतलब है कि ऐसा समाज जो पढ़ा लिखा है, जो दुनिया के दूसरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जानता है, और जो ये समझता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे कि डेमोक्रेसी यूएसए में उस वक्त थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो यूके में था, इस प्रकार के सिस्टम से दुनिया के दूसरे तौर तरीकों से अवगत है। तो ये मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है यही इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठनों को या अन्य संगठनों को बनाते हैं। अगला है वाइसरॉय लिटन। तो लिटन ने जो दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया था 1877 में, उस समय देश में अकाल था, भुखमरी थी, और ऐसे में दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन लोगों के दिल पर एक चोट लगा कर गया था कि एक तो हमारे घाव हैं उस पर नमक छिड़का जा रहा है, तो ये गलत है। फिर जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट लाए गए, उनसे हिंदुस्तानी लोगों को समझ में आने लगा कि ये रूल हमारे लिए बराबरी का कभी नहीं हो सकता, अंग्रेज़ों को यहाँ पर हमेशा अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने लोगों के दिमाग में अगर कोई डाउट था तो उसको हमेशा के लिए प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश और इंडियन सब्जेक्ट्स, चाहे क्वीन विक्टोरिया कितने भी प्रोक्लेमेशन कर ले, कभी भी बराबर नहीं होने वाले हैं। तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, लिटन का जो दरबार है, ये सब फैक्टर्स थे नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में।
कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के साधन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। तार की सुविधा आ गई थी, टेलीग्राफ आ गया था, ट्रांसपोर्ट आ गया था, रेलवेज, रेलवे की बदौलत एक व्यक्ति कलकत्ता से बॉम्बे जा सकता था, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था, सेमिनार दे सकता था, स्पीच दे सकता था, 2 या 3 दिन में कलकत्ता बॉम्बे की दूरी तय कर ली जाती थी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में। फिर कई जगह भारत में हिस्टोरिकल रिसर्च चल रहा था, खास करके जेम्स प्रिंसेप का जो रिसर्च था, उसने मॉरियन पिलर्स की ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया था, मॉरियन पिलर्स को डिस्कवर किया था। तो प्रिंसेप के इस मॉरियन पिलर्स के डिस्कवरी से देश में एक नई ऊर्जा आ जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आने लगा कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा किंगडम था, मॉरियन किंगडम, जिसके बारे में हमें तो मालूम ही नहीं है उस समय। और मौर्यन किंगडम लगभग पूरे भारत पर रूल करता था, क्योंकि मौर्यन पिलर्स लगभग सब जगह मिले थे। इससे भारत की ग्लोरी फिर से सामने आने लगी थी। और अभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर होना बाकी है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कवर होती है तो इस फैक्ट पर और ज़्यादा बल मिलता है इसको, कि भारत एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, ब्रिटेन हमारे सामने कहीं नहीं टिकता है, अगर आप एंशंट कल्चर और हिस्ट्री की बात करें तो। तो ये एक काफ़ी बड़ा मॉरल बूस्ट था। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दुनिया में कई जगह राष्ट्रवाद के दिखने लग गए थे, जैसे कई दक्षिण अमेरिकी देश जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब अपने यूरोपियन कॉलोनाइजर से आज़ाद हो चुके थे। और इटली और जर्मनी जैसे देश जो कई सदियों से छिन्न भिन्न थे, उन्होंने यूनाइट होकर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया था। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, इससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि ये 1860 और 70 के दशक में ही हो रहा था। आयरलैंड में भी आज़ादी की डिमांड चल रही थी, आज भी चल रही है, और आज तो खैर मोस्टली आयरलैंड आज़ाद है, लेकिन अभी भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का हिस्सा है। तो इन सभी देशों से भारत के लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण था, एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी आपको बताई दिया है मैंने, इससे समझ में आ गया था लोगों को कि कभी भी हिंदुस्तानी और ब्रिटिश यूरोपियन लोगों को एक नज़र से नहीं देखा जाएगा इस देश में, दोनों के लिए गवर्नेंस अलग रहेगी। अब इसी राष्ट्रवाद की भावना में कई संगठन बनते हैं भारत में, और ये संगठन कांग्रेस के प्रिकर्सर हैं। तो इनके नाम और फाउंडर्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके नाम आपको पढ़ने होंगे, याद रखने होंगे, एटलीस्ट जो मैंने इस लेक्चर में बताए हैं कम से कम उनको याद रख लो, बाकी सब स्पेक्ट्रम में जो दिए गए हैं उनको याद ना रख पाओ तो कम से कम ये वाले याद जरूर रख लेना, मेरे अनुसार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में, द्वारकानाथ टैगोर इसके फाउंडर हैं। द्वारकानाथ टैगोर जो हैं ये देवेंद्रनाथ के पिताजी थे, और देवेंद्रनाथ के बेटे कौन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये इस फैमिली में बहुत फेमस लोग हैं, बट ये याद रख लेना कि द्वारकानाथ टैगोर, इनके बेटे देवेंद्रनाथ, इनके बेटे रविंद्रनाथ। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम हमने कहाँ पढ़ा था याद है आपको, ब्रह्म समाज के अंदर पढ़ा था पहले भी। तो ये उन्हीं के पिताजी ने एक जमींदारी एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी, क्योंकि ये खुद एक जमींदार थे तो इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन बनाया। नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स, लंदन में इसकी स्थापना करी गई थी। कई एसोसिएशन लंदन में भी बने थे क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ बैठकर भारत के बारे में सोचते थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंडिया वाले एसोसिएशन है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता। 1849 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जीएल चेट्टी और श्रीनिवास पिल्लई, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। 1862 में लंदन इंडिया कमेटी, सीपी मुदलियार, लंदन में स्थापना होती है। 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने स्थापना करी थी इसकी लंदन में। 1867 नेशनल इंडियन एसोसिएशन, मैरी कारपेंटर, लंदन में। 1872 इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस, लंदन में। 1876 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे चलकर यही कांग्रेस का कोर बनता है। कई जगह आपको क्वेश्चंस में ये भी मिलेगा कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन ही जाकर आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, जो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये संगठन आगे जाकर कांग्रेस में विलय हो जाता है इसका। आनंद मोहन बोस और एस एन बैनर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी कलकत्ता में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। आगे चलकर इंडियन नेशनल आर्मी आएगा, INA, उससे इसको कंफ्यूज मत करना, कई जगह इसको INA लिखा जाता है, वो सुभाष चंद्र बोस वाली INA अलग है, ये INA अलग है, ठीक है। दिस इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय आनंद मोहन बोस एंड SN बैनर्जी। 1883 में इंडियन नेशनल सोसाइटी शिशिर चंद्र बोस, ये भी कलकत्ता में। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन, इनकी भी हमने चर्चा पहले कर ली है। पूना सार्वजनिक सभा 1870, SH चिपलूनकर और MG रनाडे, मैंने आपको कहा था कि रनाडे का नाम आगे बहुत बार आएगा। 1884 में मद्रास महाजन सभा, S रामास्वामी मुदलियार, P आनंदर चारलू और P रंगैया नायडू। तो ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, दोनों के बारे में आप याद रखिए। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी।
1888 यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान अलीगढ़। अब ये संगठन जो है ये कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि हम संगठनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने कुछ यहाँ पर एडिशनल संगठन भी जोड़ दिए हैं जो कांग्रेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कई सारे कांग्रेस के बाद भी बने थे लेकिन आपको याद होने चाहिए। उन्हीं संगठन में से एक है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोखले खुद कांग्रेस के सीनियर मेंबर थे लेकिन उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पूरी तरह से पॉलिटिक्स से अलग रखा था, ठीक है। तो ये मेनली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जीके गोखले का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एनएम जोशी इसके फाउंडर थे, लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी इसके फाउंडर थे सत्या भक्ता, और इसके बारे में हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भारत में कम्युनिज्म की शुरुआत कैसे हुई उसको मैं एक अलग चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ। 1928 में खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफार खान पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा सहजानंद और NJ रंगा। 1940 रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी MN रॉय, जो आगे चलकर कम्युनिज्म के लीडर बन गए भारत में, इनके द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करी गई थी। तो ये सारे संगठन हैं, ये वाले तो सब कांग्रेस के बाद में बने हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी कांग्रेस के प्रिकर्सर के रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सबको तो याद रखना ही पड़ेगा। अब आओ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन पर। तो देखो 1883 और 1885 में कई संगठनों ने, खास करके इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो संगठन था, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी जिसको उन्होंने नाम दिया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसमें इन्होंने कई लोगों को बुलाया। ये कॉन्फ्रेंस मेनली आनंद मोहन बोस और SN बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। मैंने आपको बताया कि INA जो था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसी का जो कोर ग्रुप है वही आगे चलकर मेनली कांग्रेस बनाता है। तो इन्होंने दो बार कॉन्फ्रेंस बुलाई 83 और 85 में, जिसको इन्होंने कहा कि ये भारत की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, इट्स अ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसमें इन्होंने कई सारे संगठनों को इन्वाइट किया और सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब एक नया संगठन बनाते हैं। तो ये उस पहली मीटिंग की फोटो है 1885 की। ये पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये होना था एक्चुअली में पुणे में, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग चल रहा था इसलिए इसको शिफ्ट करके बॉम्बे लाया गया, और बॉम्बे में इस लोकेशन पर ये सेशन होता है 29, 30 और 31 दिसंबर 1885 में। पहले सेशन को चेयर किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन थे पहले सेशन के, WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे। अब कई जगह आप ये भी देखोगे कि कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने करी थी, तो ये फैक्ट पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब केवल ह्यूम का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, दूसरे ये जितने भी संगठन मैंने आपको बताया इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन इन सबको एक मंच पर लाने की प्रेरणा डेफिनेटली एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने दी थी। ह्यूम कौन था, ह्यूम एक स्कॉटिश ओरिजिन का ब्रिटिश ICS ऑफिसर था। ही वॉज ए रिटायर्ड ICS ऑफिसर जिसने वापस ब्रिटेन जाने की बजाय भारत में रहना चूज किया था, और ये भारत में एक इंडियन नेशनल यूनियन नाम का संगठन बनाते हैं जिसमें इसी प्रकार के सारे संगठनों को ये एक मंच पर लाना चाहते हैं। तो AO ह्यूम, ये आनंद मोहन बोस या जितने भी ये दूसरे नेता हैं इनसे संपर्क में रहते थे और इनको कहते थे कि आप लोग एक नेशनल संगठन बनाओ जिसमें सब एक मंच पर हो, ये मद्रास कैलकटा बॉम्बे में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं इनको सबको एक मंच पर लाया जाए। तो ओरिजिनल नाम इन्होंने सजेस्ट ये किया था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस संगठन का नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले इन्होंने करवाई थी कॉन्फ्रेंस यानी कि एक संगोष्ठी, और बाद में उसका नाम दे दिया गया कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब भी एक तरह से कॉन्फ्रेंस ही होती है, इट इज अ कलेक्टिव मीटिंग ऑफ पीपल, इसी को कांग्रेस कहते हैं। USA के अंदर तो पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस कुछ नहीं है बस एक लोगों का जमावड़ा है, इकट्ठे होते हैं बातचीत करते हैं, उसी को कांग्रेस कहा जाता है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, AO ह्यूम ये कौन था, और WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट है, आगे कई सारे प्रेसिडेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं बता दूंगा। अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि जो भी भारतीय लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो, आज़ादी लक्ष्य नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। देर वॉज नॉट अ डिक्लेरेशन और देर वॉज नॉट अ डिमांड ऑफ एनी इंडिपेंडेंस। तो शुरुआत में कई सालों तक कांग्रेस आज़ादी या फिर स्वायत्तता ऑटोनॉमी इन सब की बातें नहीं करती थी, ये सब बातें आगे आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको बताऊंगा मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके बीच में जब दरार आती है तब ये सब बातें आती हैं। शुरुआत इनकी हुई थी ये कहकर कि भारतीय लोग चाहे वो किसी भी धर्म के जाति के कोई भी भाषा बोलने वाले हों किसी भी एरिया से हों इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कांग्रेस अपने आप को एक ऑल इंडिया सेक्युलर मूवमेंट के रूप में देखती थी कि इसमें कोई पर्टिकुलर धर्म के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं या किसी विशेष धर्म या जाति के लोगों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, एवरी इंडियन। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस में ज़्यादातर नेता जो थे शुरुआती दौर में वो सब अपर कास्ट हिंदूज थे,
एटलीस्ट शुरुआती दौर में, ये ट्रेंड चेंज होता है 20 साल 25 साल बाद। लेकिन शुरुआती 20 सालों में ज़्यादातर सब अपर कास्ट हिंदूज ही इसके मेन लीडर्स थे और ज़्यादातर सब वकील हुआ करते थे। 86 में इन्होंने अपना सेकंड सेशन किया कलकत्ता में, थर्ड सेशन होता है मद्रास में, और धीरे धीरे शहरों की लोकेशन बदलती गई। और हर साल कांग्रेस का सेशन आप देखोगे 30 या 31 दिसंबर के आसपास होता है, हर बार शहर बदल दिया जाता था, डेट यही रखी जाती थी। कुछ स्पेशल सेशंस हुए थे, ठीक है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो उन सेशंस की डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई सारे ऐसे सेशन हैं जिनके प्रेसिडेंट और क्या निर्णय लिया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जाते हैं, कई प्रकार की थियोरीज सामने दी जाती हैं। एक बहुत ही प्रचलित थियोरी ये थी कि एओ ह्यूम को यह आइडिया खुद से नहीं आया था कि कांग्रेस बनाई जाए। डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन ने आइडिया दिया था ये एओ ह्यूम को कि तुम्हारी लोगों में अच्छी पैठ है, यहाँ पर तुम्हारे काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम इन सभी संगठनों को प्रेरित करो कि ये मिलकर एक कांग्रेस जैसा संगठन बना ले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वाइसरॉय को इससे क्या मिलेगा कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन बनाए जिससे कि आगे चलकर देश आज़ाद हो जाए। तो देखो, उस समय डफरिन को ये पता नहीं था कि देश आज़ाद हो जाएगा, डफरिन केवल उसे एक सेफ्टी वॉल के रूप में देख रहा था। ये थियरी लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई है, बाय द वे कई सालों बाद दी गई थी। लाला लाजपत राय खुद 1910-1920 के आसपास बहुत एक्टिव थे, उस समय उन्होंने ये बात अपनी किताब में कही थी कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल के रूप में बनवाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ही, उन्होंने ही ये आइडिया दिया था, ये बीज भारतीय लोगों के दिमाग में रोपा गया कि आप अगर एक संगठन बना लेते हो तो आपकी राष्ट्रवादी जितनी भी गतिविधियां हैं उसके माध्यम से हो जाएंगी, जबकि इससे ब्रिटिश हुकूमत मजबूत होती थी। कैसे? डफरिन का ये मानना था या फिर लाला लाजपत राय का ये मानना था कि डफरिन ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की नज़र में देखा। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, आप सभी ने एक प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर में ऊपर एक सीटी होती है जहां से उसका एक्स्ट्रा प्रेशर निकल जाता है। तो या तो आप उसे एक सीटी की तरह कांग्रेस को देख सकते हो जो प्रेशर एक्स्ट्रा बिल्ट अप है उसको निकाल देगा, या फिर मॉडर्न डे कुकर में एक सेफ्टी वाल्व भी होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ढक्कन को तो ढक्कन पर एक सेफ्टी वाल्व होता है कि मान लो कभी वो सीटी जाम हो जाए, वो चोक हो जाए, अगर उसका वो अपना काम नहीं करती है प्रेशर रिलीव करने का, तो वो जो सेफ्टी वाल्व है वो टूट जाता है और वहां से प्रेशर रिलीव हो जाता है। तो उसी प्रकार से कांग्रेस देश में लोगों के एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीव कर देगी। तो अगर भारत में कभी आज़ादी की बात बात आ भी जाती है तो कांग्रेस के माध्यम से आएगी और कांग्रेस को ब्रिटिश हुकूमत कंट्रोल कर देगी कैसे भी करके, ये उनका अल्टीमेट प्लान था, ऐसा लाला लाजपत राय की थियरी कहती है। दूसरी थियरी ये है कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम इन जनरल भारत के लोगों का भला चाहता था, इसीलिए उसने लोगों को प्रेरित किया कि एक ऐसा संगठन बनाओ। लेकिन लाला लाजपत राय की सेफ्टी वॉल थियरी के अनुसार ये कांग्रेस का गठन केवल और केवल ब्रिटिश रूल को किसी खतरे से बचाने के लिए था, ताकि 1857 जैसे हालात ना हो जाएं, जब गुस्सा इतना आ गया, जब प्रेशर इतना बिल्टअप हो गया कि पूरा कुकर ही फट पड़ा, ऐसी स्थिति फिर से ना आ जाए, उसके लिए कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। तो डेफिनेटली ये चाहते थे कि पॉलिटिकल ग्रीवांस सॉल्व हो, जो भी पॉलिटिकल समस्याएं हैं वो सॉल्व हो, लेकिन वो तो केवल एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट के रूप में उसको देखा गया था। इसका मतलब है कि मेन लक्ष्य ये नहीं था कि लोगों की समस्या सॉल्व हो, मेन लक्ष्य ये था कि हमारी सत्ता यहाँ पर बनी रहे, 1857 जैसी क्रांति फिर से ना हो, और इसी बीच में अगर कांग्रेस को थोड़ा बहुत हमें पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देनी पड़े, उनकी पॉलिटिकल समस्याओं को सॉल्व करना पड़े, तो वो हम इस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर देंगे। इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आपको 3 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पाथफाइंडर, इम्पल्स और राइज, तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द अनलॉक कोड महिपाल, और इससे अपना स्कोर आप बेटर कर सकते हैं। रविवार को 11 बजे आ रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सो प्लीज़ टेक पार्ट इन दिस एंड यू हैव अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।